वेलकम बैक टू यूएमबी न्यूज, मौसम का पहला ऑफिशियल चैनल जहां आप मौसम की ताजी जानकारी पाते हैं। तो उठाइए अपना फोन और बताइए हमें हमारी वीडियो देश के किस कोने तक पहुंच रही है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 3 दिनों तक होगी बारिश, इन राज्यों में बारिश ओलावृष्टि की चेतावनी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत देश भर के ज्यादातर राज्यों में इन दिनों जमकर बारिश हो रही है। इसके अलावा कई जगह ओले पड़ने की वजह से किसान परेशान है। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के राज्यों के लिए उस तारीख की भी जानकारी दे दी है जब से बारिश तूफान और ओलावृष्टि में कमी आएगी। हालांकि देश के अन्य हिस्सों में कई जगह पर 3 दिनों तक बारिश और आंधी तूफान जारी रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर पश्चिम भारत में बारिश, आंधी तूफान, ओलावृष्टि की गतिविधियां आज से कम होने लगेंगी। हालांकि आज से झमाझम बारिश जारी रहेगी। आपको बता दें, उत्तर पश्चिम भारत में पश्चिमी हिमालय क्षेत्र के अलावा पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान के हिस्से आते हैं। उधर नॉर्थ ईस्ट, मध्य और दक्षिण भारत में अगले 3 दिनों तक भारी बारिश से कोई राहत मिलने वाली नहीं है। इन राज्यों में होने जा रही भारी बारिश। मौसम विभाग के अनुसार नॉर्थ वेस्ट इंडिया में पश्चिमी हिमालय क्षेत्र जैसे जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश आदि में आज हल्की से मध्यम बारिश, ओलावृष्टि, आंधी तूफान आ सकता है। इसके अलावा मैदानी इलाकों में आज बारिश, ओले गिरने की आशंका जताई गई है। हालांकि कल से मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। मध्य भारत की बात करें तो छत्तीसगढ़, विदर्भ और पूर्वी मध्य प्रदेश में आज और कल को तेज बारिश और आंधी तूफान का अलर्ट है। इसके अलावा 26 मार्च को छत्तीसगढ़ में ओले पड़ सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट से लेकर दक्षिण भारत में भी बारिश। दक्षिण भारत के राज्यों को लेकर मौसम विभाग ने कहा है कि आंध्र प्रदेश, यनम, तेलंगाना, साउथ इंटीरियर कर्नाटक, पुदुचेरी, कराईकल, केरल और माहे में 26 से 27 मार्च यानी कि 3 दिनों तक तेज आंधी बारिश की संभावना। नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बात करें तो 26 से 28 मार्च के बीच मध्यम बारिश, बिजली कड़कने की गतिविधियां, आंधी तूफान, तेज हवाओं के रहने की आशंका है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय में 26 से 27 मार्च को भारी बारिश होने वाली है। पूर्वी भारत को लेकर मौसम विभाग ने कहा कि बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा में 25 से 27 मार्च के बीच कई जगह मध्यम बारिश, आंधी तूफान आ सकता है। पश्चिमी बंगाल, सिक्किम में 25 से 26 मार्च, झारखंड में 26 से 27 मार्च को झमाझम बारिश हो सकती है। वहीं ओडिशा में 26 मार्च को ओलावृष्टि होने की आशंका जताई गई है। यूपी मौसम विभाग के अनुसार आज प्रदेश के 13 जिलों में बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी हुआ है। यूपी मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिलों में अलर्ट जारी किया है। विभाग ने आज सहारनपुर, शामली, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर, मथुरा, अलीगढ़ और अमरोहा के लिए अलर्ट जारी किया। साथ ही आंधी तूफान के साथ बिजली चमकने और ओले गिरने की आशंका है। अगले 2 दिनों तक प्रदेश में ऐसा ही मौसम बना रहेगा। प्रदेश में कुछ पश्चिमी इलाकों में बारिश के साथ ओले भी गिर सकते हैं। मध्य प्रदेश के निवासियों को पिछले 24 घंटे बारिश से थोड़ी राहत जरूर मिली थी। पिछले 10 से 12 दिनों से प्रदेश में लगभग सभी जिलों में भारी बारिश के साथ ओलावृष्टि की घटना देखी जा रही थी। बीते 24 घंटे पहले राजधानी भोपाल में पारा 34 डिग्री को पार कर गया था और धूप भी निकली थी, लेकिन मौसम विभाग ने आज फिर से विदिशा, जबलपुर, सीहोर, रायसेन समेत कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया। पिछले 24 घंटों में प्रदेश के कई हिस्सों में थोड़ी बहुत धूप निकली थी, जिसकी वजह से लोगों ने राहत महसूस की थी। मगर आज भी विभाग ने भोपाल, सीहोर, रायसेन, विदिशा, चंबल, ग्वालियर संभाग, दतिया, शहडोल, जबलपुर संभाग, नर्मदापुरम, रीवा, सागर, चंबल संभाग में दतिया, ग्वालियर, छिंदवाड़ा, पन्ना, सिवनी और कटनी सहित कई अन्य जिलों में आज बारिश के साथ ओलावृष्टि की संभावना जताई है। राजस्थान मौसम विभाग की माने तो आज चुरू, सीकर, झुंझुनू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, बीकानेर जिलों में और आसपास के क्षेत्रों में बादल गरजने और आकाशीय बिजली के साथ बारिश होने, अचानक तेज हवाएं 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलने की संभावना है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो।